स्वतंत्रता की वर्षगांठ की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ चलिए शुरुआत करते हैं। और कर्णप्रयाग से खबर है आपके सामने, जहां ग्रीष्मकालीन राजधानी में तिरंगा फहराया गया। भरारी सैंड में स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ का जश्न मनाया गया। विधानसभा परिसर में यह ध्वजारोहण किया गया। सीएम पुष्कर सिंह धामी, विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद्र अग्रवाल मौजूद रहे। और ग्रीष्मकालीन राजधानी भरारी सैंड विधानसभा परिसर में यह ध्वजारोहण किया गया। तो तस्वीरें आपके सामने हैं। तो पूरा देश आज जश्न मना रहा है आजादी का। ऐसे में तस्वीरें हैं आपके सामने। भरारी सैंड में पहुंचकर, ग्रीष्मकालीन राजधानी पहुंचकर तिरंगा फहराया गया। तो देखिए, भराड़ी सैड की ये तस्वीरें हैं आपके सामने। विधानसभा परिसर में ध्वजारोहण किया गया है। सीएम धामी और विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद्र अग्रवाल भी इस मौके पर मौजूद रहे। तो आजादी की वर्षगांठ की तस्वीरें जहां पूरे देश से आ रही हैं। देखिए, देहरादून के अलावा ग्रीष्मकालीन राजधानी में भी ध्वजारोहण किया गया। वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में भी ध्वजारोहण किया और स्वतंत्रता दिवस पर संबोधन में कुछ खास बातें कही। क्या कहा उन्होंने, सुनिए। भाइयों और बहनों, 21वीं सदी के इस दौर में हम एक नए भारत के निर्माण हेतु अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना होगा। राष्ट्र सेवा के लक्ष्य को आत्मसात कर नई नीति और नई नीति के साथ आगे बढ़ना होगा, तभी हम एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार कर पाएंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन और संकल्प शक्ति से पिछले 7 वर्षों में देश ने कई ऐतिहासिक उपलब्धियां प्राप्त की। हमारा देश कई ऐसे महान निर्णयों का साक्षी बना है जिनकी कल्पना भी इससे पहले मुश्किल थी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस दिन, ठीक आज से एक दिन पहले, आज के दिन हमें भारत को आज़ादी मिली, भारत का हम स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, उससे पहले 14 अगस्त की मध्य रात्रि को जो विभाजन की विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में भी मनाने का आह्वान किया है। यह दिवस जहां एक ओर हमें विभाजन की दुखद त्रासदि से मिले सबक का बोध कराएगा, वही हमें आपसी भेदभाव, वैमनस्य एवं दुर्भावना के जहर को भी खत्म करने के लिए प्रेरित करेगा। प्रिय प्रदेशवासियों, देवभूमि उत्तराखंड वीर भूमि है, जिसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने सैन्य धाम की संज्ञा भी दी है। यहाँ लगभग प्रत्येक परिवार का कोई न कोई सदस्य देश की सेवा, देश की रक्षा के लिए सैन्य अथवा अर्ध सैन्य बलों में तैनात है। एक सैनिक पुत्र होने के नाते मैं सभी सैनिकों तथा उनके परिवार की समस्याओं से भली भांति परिचित हूँ। हमारी सरकार शहीद सैनिक परिजन परिवार जनों के साथ खड़ी है। हमने शहीद सैनिकों के परिवार के एक सदस्य को उसकी योग्यता के अनुसार सरकारी नौकरी देने का प्रावधान किया है। विशिष्ट सेवा पदक से अलंकृत सैनिकों को अनुमन्य राशि में कई गुना बढ़ोतरी की गई है। उत्तराखंड से द्वितीय विश्व युद्ध की वीरांगनाओं एवं पूर्व सैनिकों को प्रतिमाह दिए जाने वाले पेंशन को 8,000 रुपए से बढ़ाकर 10,000 रुपए करने का भी निर्णय किया है। सैकड़ों वर्षों के संघर्ष के बाद अयोध्या में हम सभी के आराध्य देव, जिनका नाम हम लोग हर पल और हर क्षण लेते हैं, कभी कोई कष्ट आता है, कोई परेशानी आती है, हमारे मुंह से अनायास या स्वाभाविक रूप से हे राम निकलता है। ऐसे इस आराध्य भगवान श्री राम के भव्य मंदिर का निर्माण का मार्ग भी इसी सरकार में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में संभव हुआ है। इस खास मौके पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने युवा शक्ति को लेकर भी बातचीत कही। उन्होंने खुलकर बताया कि युवाओं से कितनी उम्मीदें जुड़ी हैं और उनके रोजगार के लिए किस तरीके से नए अवसर बढ़ रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमारी युवा शक्ति का पूरा विश्वास किया है। देश के युवा खुलकर अपनी प्रतिभा और अपने सपनों के अनुसार खुद को विकसित कर सके, इसके लिए प्रधानमंत्री की प्रेरणा से एक इकोसिस्टम तैयार किया जा रहा है। शिक्षा व्यवस्था हो, सामाजिक व्यवस्था हो, कानूनी बारीकियां, हर चीज में इन बातों को केंद्र में रखा जा रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का कहना है कि देश और समाज में बहुत से बदलाव लाने हैं
और ये बदलाव युवाओं को ही करने हैं। देश के युवाओं पर इतना विश्वास जताने और देश की प्रगति में भागीदारी के लिए युवाओं को अवसर देने के लिए मैं युवाओं की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देना चाहता हूँ। हमने युवाओं को रोजगार के सर्वश्रेष्ठ अवसर उपलब्ध कराने की भी प्रतिज्ञा की है, एक संकल्प लिया है और इस दिशा में हमने मजबूत कदम भी उठाए हैं। हमने विभिन्न विभागों में लगभग 22 से 24 हजार रिक्त पदों और बैकलॉग की रिक्तियों पर भर्ती करने का निर्णय लिया है। सिर्फ हमारे नौजवान भाई सिर्फ सरकारी नौकरी ही नहीं, हम युवाओं को रोजगार के लिए भी प्रेरित कर रहे हैं। हमारा मानना है कि हमारे युवा साथी केवल रोजगार मांगने वाले न बने, रोजगार मांगने के स्थान पर रोजगार देने वाले बने। इसके लिए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना और मुख्यमंत्री स्वरोजगार नैनो उद्यम योजना भी प्रारंभ की है। कोरोना के इस मुश्किल दौर में भी आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने एक सफल लड़ाई लड़ी है। दुनिया का सबसे बड़ा निःशुल्क वैक्सीनेशन अभियान हमारे देश में चल रहा है। इस मंच से मैं उत्तराखंड की समस्त जनता की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहता हूँ। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में राजभवन में भी ध्वजारोहण का आयोजन किया गया। यहां राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने तिरंगा फहराया और सलामी ली। राज्यपाल ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर वीर शहीदों को नमन किया, साथ ही देश और प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। राज्यपाल ने 75वीं वर्षगांठ पर कहा कि उत्तराखंड में खुशहाली आए, तरक्की आए, हम सब मिलकर एक नया और बेहतर उत्तराखंड बनाए। स्वतंत्रता दिवस के 75वें वर्ष में पदार्पण, जिसे हम अमृत महोत्सव के रूप में मनाएंगे, मैं अपनी तरफ से उत्तराखंड के सभी बहन भाइयों के इसके लिए हार्दिक शुभकामनाएं देती हूं। उन सब ज्ञात अज्ञात शहीदों को नमन, उन वीरांगनाओं को नमन। उत्तराखंड विधानसभा में स्वतंत्रता दिवस अमृत महोत्सव के रूप में इसे मनाया जा रहा है। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने ध्वजारोहण किया। इस मौके पर विधानसभा अध्यक्ष ने शहीदों, वीर सैनिकों और राज्य आंदोलनकारियों को नमन किया। उन तमाम शहीदों को नमन कर रहा हूँ जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी। ज्ञात अज्ञात तमाम उन लोगों को प्रणाम कर रहा हूँ जिनके कारण हमारा देश आज़ादी के दौर पे है, आज़ादी जिनसे प्राप्त हुई। और बस मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ कि आज हम सभी लोग मतभेद और मनभेद भुला के प्रदेशवासी हैं तो प्रदेश के विकास के लिए, देशवासी हैं तो हम तमाम देशवासी देश की विकास के लिए, सर्वांगीण विकास के लिए हम लोग आगे बढ़े। उधर अल्मोड़ा में कैबिनेट मंत्री और जिले के प्रभारी मंत्री बिशन सिंह चुफाल ने झंडारोहण किया। कलेक्ट्रेट परिसर में मंत्री बिशन सिंह चुफाल ने तिरंगा फहराया। इस मौके पर विधानसभा उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह चौहान, डीएम वंदना सिंह समेत कई लोग मौजूद रहे। 15 अगस्त इस राष्ट्रीय पर्व पर आप सबको हार्दिक बहुत बहुत शुभकामनाएं। आजादी के इन 75 वर्षों में देश आर्थिक क्षेत्र में, राजनीतिक, सामाजिक, औद्योगिक, वैज्ञानिक और तकनीकी क्षेत्र में देश आगे बढ़ता गया। इस कोविड महामारी के बीच में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के नाम जो संदेश दिया था कि देश आत्मनिर्भर और अपने देश अपने पांव पर खड़ा रहे, इस 2 सालों के अंतर्गत लोगों ने जो आत्मनिर्भर की बात को मानते हुए लोगों ने स्वरोजगार को अपनाया। सेनानियों ने आज़ादी की वेदी पर अपने प्राण निछावर किए, सैकड़ों वर्ष की दास्ता को हटा करके देश को आज़ाद किया। उन महान सुंदर संग्राम सेनानी को आज याद करने का दिन होता है। यह आज़ादी हमें उपहार में नहीं मिली, यह आज़ादी वीरों के शौर्य से मिली है, वीरांगना में सती से मिली है और शहीदों के रक्त से मिली है। वहीं देहरादून में कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय पर भी झंडारोहण किया गया। इस मौके पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल, नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह समेत कई कांग्रेस के नेता मौजूद रहे। उन्होंने प्रदेश की बेहतरी के लिए एकजुट होकर काम करने का संकल्प लिया। मैं आज कांग्रेस भवन से पूरे प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की
हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, आप सब लोगों को भी, पत्रकार भाइयों को भी शुभकामनाएं देता हूं। इस मौके पर हम सब हमारे राष्ट्र की आज़ादी के लिए जिन वीर शहीदों ने अपने प्राणों की कुर्बानी दी, उनकी कुर्बानी को नमन करते हुए हम ये संकल्प लेते हैं कि हम राष्ट्र की बेहतरी के लिए और प्रदेश की बेहतरी के लिए संकल्पित होकर एकजुट होकर संघर्ष करेंगे। मैं देशवासियों को, प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। ये आज़ादी जिस तरीके से हमने हासिल की है, आज देश और प्रदेश के प्रत्येक नागरिक का दायित्व बनता है वो इस आज़ादी को अक्षुण बनाए रखने का काम करे। आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ पर टिहरी में प्रभारी मंत्री हरक सिंह रावत ने PIC मैदान में ध्वजारोहण किया, शहीदों को याद किया। वहीं धर्मनगरी हरिद्वार के बहादुराबाद स्थित पतंजलि योगपीठ में योग गुरु बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराया। इस दौरान उन्होंने सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। योगपीठ पतंजलि में कई कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में योग गुरु बाबा रामदेव के अनुयायी, पतंजलि का स्टाफ, स्कूली छात्र छात्राएं और सभी धर्मों के गुरु भी मौजूद रहे। और वहीं उत्तराखंड सचिवालय में मुख्य सचिव SS संधू ने ध्वजारोहण किया। इस मौके पर उन्होंने सचिवालय के अधिकारियों को नसीहत देते हुए कहा कि अधिकारियों को जनहित की फाइलों को तुरंत पॉजिटिव निर्णय लेते हुए उस पर काम करना चाहिए, जिससे कि राज्य के लोगों को सरकार की कल्याणकारी जो योजनाएं हैं उसका लाभ मिल सके। उन्होंने कहा कि अधिकारियों को अपनी कार्यशैली में सुधार लाने की जरूरत है, खास तौर पर जनहित की योजनाओं पर काम हो सके ये सुनिश्चित करना होगा। मैं प्रदेशवासियों को 75वें आज़ादी दिवस पर बधाई देता हूं और शासन और प्रशासन की ओर से हम पूरे प्रयासरत रहेंगे कि प्रदेश की तरक्की के लिए मैं और मेरी टीम पूरी संवेदनशीलता से कार्य करे और जो भी सरकारी योजनाएं हैं जो हमारे नागरिकों के फायदे के लिए, लाभ के लिए बनी हैं, उनका भावनात्मक रूप से अनुपालन हो और हमारे प्रदेशवासियों को उनका पूरा फायदा मिल सके। और स्वतंत्रता दिवस की 75वीं सालगिरह के मौके पर उत्तराखंड मुख्यालय, पुलिस मुख्यालय DGP अशोक कुमार ने यहां पर ध्वजारोहण किया। इसके साथ साथ पुलिस अधिकारी और कर्मचारियों को उत्कृष्ट और सराहनीय कामों के लिए मेडल देकर सम्मानित भी किया गया। इस मौके पर DGP अशोक कुमार ने कहा कि COVID-19 के दौरान तमाम बेहतर कार्य और मिशन हौसला के तहत अधिकारी और पुलिस कर्मियों ने काफी अच्छा काम किया है। देश की आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ पर सबसे पहले मैं समस्त देशवासियों को बधाई देना चाहता हूं और हमने आज पुलिस कर्मियों को कहा है कि इस आज़ादी को बनाए रखना भी हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती है। जो राष्ट्र विरोधी ताकतें हैं वो हमेशा आंतरिक सुरक्षा को डिस्टर्ब करने का प्रयास करती रहती हैं और चाहे वो आतंकवाद हो, चाहे माओवाद हो, चाहे वो ऑर्गेनाइज क्राइम हो, चाहे साइबर सुरक्षा हो, इन सब चुनौतियों से हमको निपटना है। यही सब बातें करने के लिए वही ITBP के जवानों ने भी आज़ादी का जश्न धूमधाम से मनाया। हल्द्वानी के लालकुआ में 34वीं वाहिनी के कमांडेंट सुरेंद्र सिंह ने तिरंगा फहराया। साथ ही उत्कृष्ट कार्य करने वाले हिमवीर जवानों को कमांडेंट ने सम्मानित भी किया। इस 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मैं अपने सभी नागरिकों को, हमारे जितने भी ट्रूप्स हैं उन सबकी फैमिली को बहुत बहुत बधाई देता हूं तथा मैं आशा करता हूं कि हम अपने देश के लिए इसी प्रकार, इसी तत्परता से, इसी त्याग से काम करते रहेंगे। जोशीमठ की जोशीमठ में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर माउंटेन ट्रैक्स के राहुल मेहता नारायण पर्वत के शिखर पर तिरंगा फहराने निकले। 17,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित नारायण पर्वत बद्रीनाथ मंदिर के ठीक पीछे स्थित है। मई महीने में ITBP के जवानों ने इस शिखर का आरोहण किया था। अब राहुल मेहता इस शिखर के आरोहण अभियान पर निकले हैं। आज अपने आप को गौरवान्वित महसूस।
कृषि मंत्री सुबोध उनियाल पौड़ी पहुंचे, जहां उन्होंने कहा कि भू कानून की मांग राजनीति से प्रभावित है। सुबोध उनियाल की माने तो 2022 का विधानसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में प्रदेश में राजनीति गरमाने के लिए अचानक से भू कानून का मुद्दा बेवजह उठाया जा रहा है। वहीं खटीमा में किसानों ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर तिरंगा यात्रा निकाली। नानकमत्ता गुरुद्वारे से किसानों की तिरंगा यात्रा में राकेश टिकैत भी मौजूद रहे, जहां उन्होंने बताया कि तिरंगा यात्रा का मकसद केंद्र सरकार को जगाने का है, ताकि केंद्र सरकार जागे और किसानों के हित के लिए काम करे। स्वतंत्रता दिवस है और तिरंगा हमारी शान है, आज तिरंगा यात्रा निकाल लेंगे और गुरु घर से निकल रही है तिरंगा यात्रा और दिल्ली की तरफ अपना चल रहे, यहाँ से किसी गांव में तिरंगा फहराएंगे, फिर उधम सिंह नगर में आए हैं तो उधम सिंह की मूर्ति है शहीद उधम सिंह की, उस पर लगाएंगे, फिर एक मंडी में जाएंगे क्योंकि मंडी किसान का संस्थान है, तो सरकार ये कह रही थी मंडी में आप तिरंगा नहीं लगा सकते, भाई तिरंगे को कौन रोकेगा लगाने को, हम लगाएंगे तिरंगा तो जहाँ मन करेगा लगाएंगे।